इस लैपटॉप अंडर 1.5 लाख रुपीस, भैया 1.5 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो, मतलब आपका हक बनता है कि आपको कहीं पे भी लैपटॉप में कॉम्प्रोमाइज करते हुए मिलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप 1.5 लाख खर्च कर रहे हो तो सब कुछ बेस्ट मिलना चाहिए, बीस्ट मिलना चाहिए, 5 साल 6 साल तक आपके लैपटॉप में परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल, सबसे तगड़े लैपटॉप। तो बिना टाइम जाया करे लैपटॉप के लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सारे लैपटॉप के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में लाइन से मिल जाएंगे। सबसे पहला लैपटॉप आता है लिनोवो की तरफ से, लिनोवो लीजन प्रो 5। इस लैपटॉप के अंदर आपको मिल जाता है इंटेल i7 14 जनरेशन 14750HX मिलता है, प्लस एनवीडिया RTX 4060 8GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है। भाई मतलब इन दोनों का जो परफॉर्मेंस होगा नेक्स्ट लेवल का, 4K गेमिंग हो या फिर 4K वीडियो एडिटिंग हो, एकदम मक्खन स्मूथ हो जाएगा। 16 इंचेस का QHD डिस्प्ले मिल जाएगा, 100% sRGB कलर्स है, 144Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाता है, प्लस 500 nits की पीक ब्राइटनेस भी है, और डिस्प्ले सच में बहुत ज्यादा लाजवाब है इस लैपटॉप का। 16GB रैम, 1TB की SSD स्टोरेज मिल जाती है, रैम स्टोरेज दोनों अपग्रेड कर सकते हो, फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं। 2.5K जिसके वेट के साथ मेटल डिजाइन में RGB बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा, एंड फुल प्रीमियम स्ट्रक्चरल डिजाइन मिल जाएगा लिनोवो की तरफ से। और लिनोवो के जो लीजन सीरीज के लैपटॉप होते हैं इनके टॉप लेवल के लैपटॉप होते हैं, और ये लैपटॉप आपको काफी आसानी से 1.5 लाख रुपीस के अंदर इंडिया में मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, देर मत करो, अगर वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, नेक्स्ट लेवल के पावर ओरिएंटेड काम करने, तो ये लैपटॉप आपके लिए होना चाहिए। सेकंड लैपटॉप आता है HP की तरफ से, HP ओवन सीरीज का लैपटॉप है, लेटेस्ट 2024 मॉडल है। यहां पर आपको मिल जाता है इंटेल i7 14 जनरेशन 14650HX, यहां पर भी मिलता है एनवीडिया RTX 4060 8GB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स यहां पर भी मिल जाता है। तो मतलब परफॉर्मेंस में तो भाई आपको किसी भी लैपटॉप में कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं मिलने वाला है। बाकी यहां पर 16GB का रैम मिलता है, DDR5 रैम मिलता है, 1TB की SSD स्टोरेज है, यहां पर भी अपग्रेड फ्यूचर में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 16.1 इंचेस का फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाएगा, प्लस 144Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 300 nits की पीक ब्राइटनेस भी है, और यहां पर भी आपको 100% sRGB कलर्स मिलेंगे। बाकी HP का ब्रांड मिलता है, HP का रेपुटेशन मिलता है, आफ्टर सेल सर्विस भी आपको बहुत अच्छी इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा, प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज 11 मिल जाएगा 2.3K जिसके वेट के साथ सॉलिड मेटल डिजाइन का लैपटॉप है, प्लस इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी मिल जाता है, RGB बैकलिट कीबोर्ड भी आपको मिल जाता है। तो ऑल ओवर एकदम बेहतरीन लैपटॉप है HP की तरफ से 1.5 लाख रुपए के बजट के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज 11 2.3K जिसके वेट के साथ मेटल डिजाइन का सॉलिड लैपटॉप मिलता है HP की तरफ से, और ये लैपटॉप आपको 1,35,000 रुपए के अंदर मिलेगा। जिनको भी HP का पावरफुल लैपटॉप चाहिए था तो उनके लिए लैपटॉप बेस्ट होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके चेक करो। थर्ड लैपटॉप हमारे लिस्ट में आता है वो और भी ज्यादा पावरफुल देखने मिलता है, ये है एसर प्रीटर हीलियो नियो 16। जितना बड़ा भाई इसका नाम है ना उतना ही खतरनाक इसके स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इंटेल i7 14 जनरेशन 14700HX मिलता है, मतलब मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर यहाँ पर दिया गया है, प्लस एनवीडिया RTX 4060 8GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड यहाँ पर भी है। तो मतलब 4K गेमिंग कर सकते हो भी नेक्स्ट लेवल में, और वीडियो एडिटिंग करनी हो, प्रोग्रामिंग करनी हो, फिर नेक्स्ट लेवल का कोई भी पावरफुल काम करना हो, सब कुछ ये लैपटॉप संभाल लेगा। 16GB का रैम है, 1TB का स्टोरेज मिल जाता है, प्लस आपको यहाँ पर 32GB तक और रैम को अपग्रेड कर सकते हो, और 4TB तक यहाँ पर SSD को और भी अपग्रेड कर सकते हो। उसके साथ ही 16 इंचेस का QHD डिस्प्ले मिल जाएगा, 165Hz की हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, एंड डिस्प्ले काफी अच्छा मिलता है, जब आप गेमिंग खेलोगे तो आपको और भी मजा आएगा गेमिंग करने के टाइम में या फिर वीडियो एडिटिंग करने के टाइम पर। फुल मेटल डिजाइन के साथ बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा RGB, प्लस यहां पर आपको मेटल डिजाइन, इसके वजह से इसका जो वेट है थोड़ा सा बढ़ जाता है, 2.8 kg का वेट आपको इस लैपटॉप के अंदर मिलेगा, लेकिन सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग आपको फील होगा। और ये एसर का लैपटॉप को काफी आसानी से 1,49,000 रुपीस में मिल जाएगा, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको पावर को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तब। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेक करो। आखिरी लैपटॉप जो हमारे लिस्ट में आता है ये है MSI Crosshair 16HX। ये भी भाई एकदम लेटेस्ट लैपटॉप है MSI की तरफ से, बहुत ज्यादा पावरफुल लैपटॉप है, इंटेल i7 14700HX मिलता है, सेम NVIDIA RTX 4060 मिलता है, 8GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, 16GB रैम है, 1TB की SSD स्टोरेज है, यहाँ पर भी आप भरपूर अपग्रेड कर सकते हो फ्यूचर के अंदर। तो अपग्रेड को लेकर तो किसी भी लैपटॉप में आपको दिक्कत अब की बार नहीं मिलेगा।
16 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है, QHD प्लस डिस्प्ले मिलता है, प्लस 240 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है भाई, तो मतलब डिस्प्ले एकदम बटरी स्मूथ होने वाला है। एंड 100% sRGB कलर्स भी मिलेंगे, तो गेमिंग करो या फिर वीडियो एडिटिंग करो या फिर कलर ग्रेडिंग करो, आपको डिस्प्ले बहुत बेटर मिलेगा। बाकी यहाँ पर इसका डिजाइन आप देख सकते हो, प्रीमियम एकदम मेटल डिजाइन में मिलेगा 2.5 के जिसके वेट के साथ, प्लस यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिजाइन भी आपको इस लैपटॉप के अंदर देखने मिलेगा। तो MSI का लैपटॉप है, तो आपको पावर में एंड परफॉर्मेंस में आपको कोई भी शिकायत आपको होने को नहीं दिखेगा फ्यूचर में भी। तो ये लैपटॉप को भी आप ले सकते हो 1,49,000 रुपीज के बजट के अंदर रहते हुए, तो ये भी एक काफी अच्छा पावरफुल मशीन है, जरूर से चेकआउट करो। और यही थे कुछ बेस्ट लैपटॉप जो आप ले सकते हो पावरफुल वर्क के लिए 1.5 लाख रुपीज के अंदर। अभी आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो 1.5 लाख रुपए के बजट के अंदर आपने कौन सा लैपटॉप लेकर, कमेंट करके जरूर बताओ। ऑल्सो आप एक चीज बता सकते हो, आपका एग्जैक्ट बजट क्या है, उस बजट के अंदर मैं जल्द से जल्द वीडियो लाके आपको दे दूंगा। और साथ ही में सारे लैपटॉप का जो परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के लाइन से मिल जाएंगे, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करो, आपको बहुत फायदा होगा। इस वीडियो को एक लाइक करना और हमें सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करना भूलना मत। मेरा नाम इमरान है, आप देख रहे हो टेकी इमरान, तो इससे फिर से हाजिर होगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना प्लीज ख्याल रखो।